हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं DIY बनाने वाली हूँ स्प्राइट बॉटल से। आज हम इसमें बनाने वाले हैं, आप सभी को पता चल जाएगा, ये तो मैं बना रही हूँ, ये है गाजर और खरगोश बनाने वाली हूँ। इसी वीडियो में मैं आप सबको ये भी दिखाऊँगी कि इस पर मैं कैसे कौन से पौधे लगाती हूँ और इसे मैं कैसे टांगूँगी, वो भी आप सबको बताऊँगी। तो आप सब वीडियो पर बने रहिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट, तो आप जो देख रहे हो मार्कर पेन से मैं यहाँ पे जो मुझे बनाना है वो मैं बना रही हूँ, जैसे कि खरगोश और आपका गाजर। तो यहाँ पे चाकू की मदद से थोड़ी सी मैंने हॉल कर ली, फिर कैंची से कट कर ली। ये स्प्राइट बोतल बहुत आसानी से कैंची से हमारे यहाँ पे कट जाते हैं, तो यहाँ कैंची की मुझे मदद लेना पड़ा। आप हाथों को बचा कर करिएगा, मैं भी बचा कर ही कर रही थी। अगर आप ये सब DIY बनाना चाहते हो तो बहुत आसान है। मेरे पास ब्लैक मार्कर नहीं है तो मैं पहले ब्लू से यहाँ पर बना ली और उसके ऊपर से जैसे जैसे निशान थे वैसे ही मैं कट कर दी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, मैं इसमें कौन से पौधे लगाने वाली हूँ, कैसे मिट्टी बनाकर लगाऊंगी। अगर आपके पास जगह की कमी है और आपके पास विंटर गार्डन की आपने शॉपिंग किए हैं, बहुत खूबसूरत फूलों वाले पौधे खरीदे, तो हमें उसे कैसे एडजस्ट करके रखना है बालकोनी गार्डन में, तो इसी वीडियो में आप भी जानोगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ऑयल पेंट, जो ये पेंट कभी भी नहीं छूटते हैं व्हाइट कलर के, तब जाकर मैं इस पर इसका लुक देने वाली हूँ। तो ये पहले पेंट करके हमें सूखने देना है अच्छी तरह से, जिसे नीचे ऊपर हर जगह आप कलर कर दीजिए। आपके पास अगर रेड कलर है तो रेड भी कर सकते हो। तो ये मेरे एक दिन का बाद का वीडियो, ये सूख गए। सूखने के बाद फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पर मार्कर पेन से गाजर बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक नहीं है इसलिए मैंने ब्लू से ही बनाया। पहले मैं ड्राइंग बना ले रही, उसके बाद मैं कलर करके आप सबको दिखाऊंगी। तो आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा ही देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बीच बीच में याद दिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हर किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सभी मुझे इसी तरह से प्यार देते रहे, प्यार बनाए रखे, तब तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और यहाँ पर खरगोश बना रही हूँ, उनके पैर बनाई, पूंछ भी बना दी, यहाँ पे एक हाथ बनाई और यहाँ पे कान ऊपर में है और यहाँ पर आँख बना लूँगी और उनका जो नाक है वो भी। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास रेड कलर नहीं थे, तो पर रेड से मैंने उनका जीभ कौन से कलर से बन किस, ये भी आप देखना। तो यहाँ पर फेब्रिक कलर मेरे पास ब्लैक थे, तो मैंने जैसे जैसे ब्लू से किया था ब्लैक से ब्रश की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हो खरगोश और गाजर मैंने बना दिया। तो गाजर हमारे कौन से कलर के रहते हैं आप सभी को पता है, ऑरेंज कलर के, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लिया और गाजर में जैसे जो पूरी भर देना है अच्छी तरह से कलर को। अगर आपके पास ये सब है तो आप कर सकते हो, या फिर मार्कर पेन से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास तो मार्कर पेन नहीं है, ये फैब्रिक कलर है, या फिर आपके पास ऑयल पेंट है तो ऑयल पेंट ऑरेंज कलर के हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे DIY स्प्राइट बोतल से मैंने बनाया है, बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। इसमें जब पौधे लग गए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं, आप सभी वीडियो पे देख सकते हो, देखेंगे बहुत ही प्यारे बनेंगे। और इसमें मैं कौन सी पौधे लगाने वाली हूँ वो भी, वो ठंड के दिनों में बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं, गर्मियों में भी फूल खिलते हैं, वो सालों साल हमारे पास रह जाते हैं अगर हम उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें, जैसे कि उनकी बीज जो है कलेक्ट करके रखेंगे तो सालों साल वो पौधा हमारे पास रह जाएंगे। तो आप सभी ने देखा यहाँ पर मैंने गाजर कलर कर दिया है ऑरेंज कलर के, और खरगोश में कोई कलर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि खरगोश व्हाइट भी रहते हैं, तो मैं उसे इस तरह से ही छोड़ दूंगी। और मुझे थोड़ी सी चाहिए यहाँ पर ग्रीन कलर, इनका जो ऊपर में जो ग्रीन कलर है ना गाजर के ऊपर जो पत्ते रहते हैं वो ही, उसमें मैं ग्रीन कलर कर दूंगी और फिर ये कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर कर दिया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे सजा सकते हो अपने गार्डन को, अगर छोटी जगह है तो आप ये क्या करेंगे, आप कहीं पर भी इसे टांग सकते हैं या फिर हैंग करके इसे रख सकते हैं। तो मैं इसे हैंग करके रखने वाली हूँ, जब पौधे लगाने के बाद दो दिनों तक ऐसे छाया में रखना, उसके बाद मैं इसे कहीं पर भी लटका के रख दूँगी। तो यहाँ पर ये कम्प्लीट हो चुके हैं हमारे गाजर, आप देख सकते हो बिल्कुल लग रहे गाजर की तरह, मन तो कर रहा है लेकर खा ही लूँ, पर ये खरगोश पकड़ा हुआ है तो मैं कैसे खाऊँ, आप सब बताइएगा मैं इसे खा सकती हूँ क्या नहीं ना।
तो वो वही खरगोश पकड़ के रखा उसकी गाजर में कैसे ले लूँ। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी देखिए, मेरे पास रेड कलर की नेल पॉलिश नहीं थी तो मैंने यहाँ पे मैरून कलर के नेल पॉलिश लिए और इनका जो जीभ है ऐसे रेड कलर के यहाँ पे बना रही हूँ। तो रेड मार्कर पे मैं ढूंढी कहाँ चले गए नहीं पता, मेरे पास थी पर खोजी तो नहीं मिले, बच्चे इधर उधर कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये कम्प्लीट हो चुकी है हमारे खरगोश, क्यूट प्यारे ब्यूटीफुल खरगोश, इतने प्यारे लग रहे। और यहाँ पर हमें छेद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इसमें पौधे लगाएंगे नहीं तो फिर हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो हम इसमें छेद कैसे करेंगे, रड गरम करके छेद कर लेंगे और ये अच्छे लग रहे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप स्प्राइट बोतल से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी जो आपको आती है ड्राइंग वो आप बना सकते हो। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं हमारे पौधे लगाने के लिए। तो ये बिल्कुल सूख चुकी है और यहाँ पर हमने देखिए छेद भी कर लिया है और अगल बगल में इसलिए छेद की क्योंकि मुझे दीवारों में लटका के रखना है पर रस्सी से बांध कर, और नहीं तो फिर क्या होती है सिर्फ किल्ली में ठोक कर और ऐसे सिर्फ डायरेक्ट अगर लटका देती हूँ ना तो एक तरफ वो झुक जाते हैं, तो इसलिए हमें रस्सी से बांध कर मैं इसमें लटकाने वाली हूँ। और ये जो प्लांट देख रहे हो ये है टोरेनिया, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसके फ्लावर आप देख सकते हैं छोटे छोटे और कलियों से प्लांट भरी हुई है। तो मैं नर्सरी से इसे खरीद के लाई थी, अभी तक मैंने इसे नहीं लगाया है। उसके लिए हमने मिट्टी ली है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, बालू और मिट्टी मिली हुई है, यहाँ पर गोबर की खाद ली है। और मेरे यहाँ पे कुछ पूजा के जो फूल होते हैं दिवाली में निकले थे वो भी आज मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ मिट्टी हमें अच्छी तरह से बना लेना है और ड्रेनेज होल के नीचे कंकड़ पत्थर की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरी गोल्ड का जो फूल है, गेंदे का फ्लावर और आम के पत्ते जो मैं अपने गेट के बाहर ऊपर में ऐसे सजा के लगाई थी तो वो सूख चुके, तो उसे मैं निकाल कर और यहाँ पर देख सकते हो नीचे मैंने यहाँ पर भर दिया। तो हमें ठूस ठूस कर भर लेना है क्योंकि ये जब पानी जाएंगे ना नीचे तो ये सड़ गल जाएंगे, डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी मिट्टी अपने तरीके से जो बनाया उसे हमें भर लेना है दबा दबा कर, क्योंकि ये बहुत हल्की भी लग रही थी क्योंकि नीचे तो आधा से कम, जैसे आधा से कम तो नीचे हमारे फूल और पत्ते भर गए और ये फिर हमारी मिट्टी भी बहुत ही सॉफ्ट और हल्की ही बनी। तो इसमें हमने मिट्टी भर दिया है और अब हम अपने पौधे को पॉलीबैग से आराम से धीरे धीरे निकालेंगे और जितने भी पत्ते नीचे की ओर टच हो रहे उसे हम हटा देंगे। तो इनकी मिट्टी जो बनी हुई थी नर्सरी में बहुत सॉफ्ट है, इसमें आप देख रहे हो मिट्टी और बालू और जो चावल की जो भूसी होती है ना, वो राइस खस ऐसे ही कुछ बोलते हैं, वो तीनों चीज़ को ऐड करके और पौधे को लगाया गया है। और इनके जड़ बहुत पतले पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बारीक बारीक है, इसलिए शायद इनकी मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनाई है। और मैं तो इसकी रूट्स पूरी ओपन करके ही लगाऊंगी, देखती हूँ ये पौधे को कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी अभी उतनी कड़ी धूप नहीं है, हमारे यहाँ पे बादल छाए हुए हैं। तो मैं चारों ओर से अच्छी तरह से निकाल दूंगी क्योंकि आप देख सकते हो स्प्राइट वाले जो बोतल है वो उनका जो चौड़ा नहीं है वो ज़्यादा, तो हम ऐसे लगा नहीं सकते, इसमें जगह नहीं होंगे। तो मैं इसमें कोशिश करूँगी इसे लगाने के लिए, पर इसके जड़ जो है शायद पूरी हटाना पड़ेगा, मिट्टी हटाना पड़ेगा, पूरी जड़ को मतलब फैलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो फिर से मैं सोची कि ये चारों ओर से जो है मिट्टी हल्की हल्की निकाल देती हूँ तब जाकर लगाऊंगी। अगर मैं पॉट में लगाती पर मेरे यहाँ पे पॉट रखने की जगह नहीं है, बाहर बालकोनी में रखने से क्या हो रही है ना, फूल कोई मॉर्निंग में तोड़ कर लेके चले जा रहे और फिर रात होती है शाम होती है तो कितना अंदर करो बाहर करो वो बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा इतना सारा कामों के साथ फिर पॉट हटाओ रखो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं नहीं बाहर रख सकती। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर जितने भी खिले रहते हैं तो सुबह जब उठती हूँ तो कोई कोई तोड़ कर ले जाते, पता नहीं कोई कौन तोड़ के ले जाते, इसलिए मैं इसे रखना नहीं चाहती बाहर की बालकोनी में, पीछे ही टांग कर कहीं रखूँगी तो इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा। मुझे भी बहुत सारे पौधे पसंद है फूलों वाले, जैसे कि विंटर में आप सभी को पता है कितने रंग बिरंगा आते हैं दोस्तों, तो मेरे पास जगह नहीं होने के कारण मेरे मन दुख हो जाते हैं, उदास हो जाती हूँ, नर्सरी जाती हूँ मन करते सारे ले लूँ। आप सभी को तो पता है हम जितने भी प्लांट लवर हैं जितने भी पौधे जाए हम सबको तो वो उतनी कम पड़ती है,
वही हाल मेरे साथ है। तो यहाँ पे पौधे को आप देखिए लगा दी और मिट्टी ऊपर से और थोड़ी भर दी। अब हमें पानी दे देना है अच्छी तरह से। और ये देखिए लगने के बाद कितने प्यारे लग रहे, खूबसूरत लग रहे, तो हम इसे कहीं पर भी टांग के रख सकते हैं। तो दो दिनों तक मैं छाया में रखूँगी। वैसे तो हमारे यहाँ पर बादल छाई हुई है, फिर भी छाया में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसे डायरेक्ट धूप में सिर्फ कर दूँगी। ये जब बहुत अच्छी तरह से खड़े हो जाएंगे या फिर इनमें एनर्जी आ जाएंगे, ये तो अभी मुरझा जाएंगे मुझे पता है, एनर्जी आ जाएंगे तो मैं टांग दूंगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।